हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान होममेड चॉकलेट फिल्ड कुकीज़ की रेसिपी। लेकिन सबसे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं माय रेसिपी को बनाना। सबसे पहले हम कुकीज़ की फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमें आधा कप डार्क चॉकलेट चाहिए। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। अब एक टेबलस्पून पानी ऐड करें। और 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करें। हमारी चॉकलेट फिलिंग अब ऑलमोस्ट रेडी है। इसे थोड़ा सा मिक्स करें और देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। इसे ठंडा होने दें। फिर 15 मिनट फ्रिज में रखें। अब एक ब्लेंडर लें, उसमें रूम टेम्परेचर का हाफ कप बटर ऐड करें और एक कप शुगर ऐड करें। और एक टेबलस्पून वेनिला एसेंस ऐड कर 5 मिनट तक ब्लेंड करें। देखिए हमारा स्मूथ मिक्सचर अब रेडी हो गया है। इसे बोल में ट्रांसफर कर लें। मिक्सचर को 30 सेकंड्स के लिए और फेंट लें। अब बोल में 1 1/4 कप मैदा ऐड करें, 1/4 कप कोको पाउडर ऐड करें, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा ऐड करके मिक्स करें। दो टेबलस्पून दूध ऐड कर हमारे मिक्सचर का डो रेडी करें। याद रखिएगा कि डो को ज़्यादा नीड नहीं करना है, बस सॉफ्ट होने तक ही नीड करना है। देखिए हमारा सॉफ्ट डो अब रेडी हो गया है। इसे हम 15 से 20 मिनट ढककर फ्रिज में रेस्ट करने देंगे। अब हमारा डो ऑलमोस्ट रेडी है। इसे हम 1 मिनट के लिए और नीड करेंगे, फिर कुकीज बनाना शुरू करेंगे। ये मैंने बेकिंग ट्रे को अच्छे से बटर से ग्रीस कर लिया है। अब डो का एक पीस लें और उसे इस तरह राउंड शेप दें। अब सेंटर में थंब से प्रेस करें। हमारी चॉकलेट फिलिंग भी अब रेडी है और उसमें चॉकलेट फिलिंग डालें। अब थोड़ा सा और डो लें और फिलिंग को अच्छे से सील कर दें। इसी तरह हम सारे कुकीज़ रेडी कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि फिलिंग सही अमाउंट में ही डालें, क्योंकि अगर वह ज़्यादा हो जाएगी तो चॉकलेट बाहर आ जाएगी और इस अच्छी नहीं बन पाएंगी। हमने अपनी सारी कुकीज़ रेडी कर ली हैं। अब टाइम है इन्हें बेक करने का। बेक करने के लिए 180 डिग्रीज पे 15 से 20 मिनट तक कुकीज़ को बेक करें। इसी तरह हम बाकी सारी कुकीज़ भी प्लेट में रेडी कर लेंगे।
हमारी कुकीज अब ऑलमोस्ट बेक हो गई हैं। हमारी बहुत ही टेस्टी चॉकलेट फिल्ड कुकीज अब रेडी हैं। इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने रखें और फिर बेकिंग ट्रे से प्लेट में निकाल लें। देखिए हमारी कुकीज कितनी डिलीशियस लग रही हैं। इसी तरह हम बाकी कुकीज भी बेक करके रेडी कर लेते हैं। हमारी सारी कुकीज अब रेडी हो गई हैं। इन्हें दूध या चाय के साथ खाने में तो और भी टेस्ट आता है। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगने पर उसे लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। थैंक यू।